यहाँ पर ये जो पॉइंट देखिए जरा इस चीज को देखिए, इस तरीके से अगर निर्माण हो तो टूटेगा वैसे भी नहीं। ये यहाँ पर देख सकते हैं मजबूती कितनी अच्छी तरीके से हुई है। फिलहाल जो पुराने पुल थे इतने वाहन नहीं चल रहे थे, उसके बाद भी देख सकते हैं कितने वाहन अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी दिन तक ये चलेगा भी ऊपर ही स्तर। और जी क्या हाल चाल है? आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये काम कब तक हो जाएगा लगभग आपको अंदाजा होगा? ये तो कंपनी बताएगी, कंपनी बताएगी, हम वो कैसे बता सकते हैं। अच्छा, और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। चलो क्या हाल चाल? ठीक है। पैसा वैसा मिल रहा है ना? सही से चलिए, सही मिल रही है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक है, सब ठीक है ना? सब बढ़िया है ना? अच्छा ठीक है ना? तो काम यहाँ पर काम में है लगे हैं हम लोग। ये पूरा रोड बन रहा है, इससे तो रोजगार मिल रहा है लोगों को कि नहीं? रोजगार मिल रहा है ना? कई जगह पर पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि पूछे नहीं, इसलिए हम पूछ ले रहे हैं ताकि महसूस हो जाए लोगों को कैसा हो रहा है। ठीक है, और सब ठीक है ना? मिल रहा है ना पैसे से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक अपना काम कर रही है। और क्या हाल चाल है? ठीक है, काम वाम ठीक ठीक ठाक, पैसा वैसा सब मिल रहा है? सब ठीक। चलो बढ़िया है। मिर्जापुर रोड के लिए जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस। इस समय हम आपको ये शही नदी की दृश्य दिखा रहे हैं, जौनपुर को जो जोड़ने का काम करती है मिर्जापुर रोड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देख सकते हैं इधर जौनपुर से आती हुई आ रहा है रोड, और इस तरफ ये मिर्जापुर को जा रहा है रोड, सामने की तरफ देख सकते हैं। और पूरी स्थिति हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें यहाँ के रोड पूरी तरीके से बन रहे हैं, खुदाइयाँ शुरू है हर जगह, और देख सकते हैं इसमें पानी भी वहाँ पर कम किया गया है। देख सकते हैं काफ़ी स्तर पर पानी यहाँ पर कम है, और इस चीज़ को देख सकते हैं सामने। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुराने पुल का जो दरिया है, पुरानी कितनी बढ़िया तरीके से पुल है, अभी तक उसका जो सीमेंट है वो हम आपको दिखाएंगे, सीमेंट भी नहीं किसका हुआ है। इतनी मजबूती के साथ जो पुरानी चीज़ें बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इनकी जो लेयरिंग, यहाँ पर ये जो पॉइंट देखिए जरा इस चीज़ को देखिए, इस तरीके से अगर निर्माण हो तो टूटेगा वैसे भी नहीं। ये यहाँ पर देख सकते हैं मजबूती कितनी अच्छी तरीके से हुई है। बाकी इस तरफ से ये जॉइंट बन रहा है, और ये फिलहाल शायद अगर आगे निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, ये बाहर ना निकालें तो ही बेहतर है। और बीच में पोल दिया गया है कोई कनेक्शन वगैरह करने के लिए। यहाँ के पुल के दृश्य हैं, और आगे दिखाते हैं हम आपको यहाँ का पूरा लोकेशन। ये पूरी सही नदी की का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि इसमें निर्माण कार्य जारी है। उस समय मरी माँ का उस तरफ मरी माँ का मंदिर भी है वहाँ पर देख सकते हैं, और साथ जेसीबी वगैरह लगी पड़ी है खुदाई वगैरह के लिए। इस तरफ देख सकते हैं पूरा खनन प्रक्रिया यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर जो बीम लगे हुए थे, शायद ये बीम लगे हुए थे शायद एक टूट गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से, क्या कारण है इसका पता नहीं है, या इसका मूल कारण तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये हो सकता है पुराना हो, ये भी इसका कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सामने बीम देख रहे हैं ये निर्माण कार्य के लिए ही है। आगे ये ज्वाइंट आगे की तरफ देख सकते हैं कि ये तैयार हो रहा है नया पुल दूसरी तरफ जाने के लिए। और ये पुराने वाला पुल जो है देख सकते हैं कि इस समय ऊपर की स्थिति में जर्जर अवस्था में दिख रही है, नीचे की स्थिति में, नीचे के सिस्टम में देख सकते हैं नीचे के जरिए में फिलहाल कुछ काफ़ी हद तक अच्छा है। नीचे भी जो ईंट का पॉइंट है यहाँ ज्वाइंट का, इतनी अच्छी तरीके से है कि देख सकते हैं इस पुल को बाकायदे तरीके से देख सकते हैं, कहीं भी कटकुट का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पर बनाया गया है, किया गया है वहाँ पर देख सकते हैं जो पुराने पुल हैं। अगर नए पुल इसी तरीके से मजबूती की तरह बनाए जाएंगे तो फिलहाल जो पुराने पुल थे इतने वाहन नहीं चल रहे थे, उसके बाद भी देख सकते हैं कितने वाहन अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी दिन तक ये चलेगा भी। ऊपर ही स्तर जो इसका है वो टूट चुका है, आप देख सकते हैं जगह जगह ग्रीले इसकी टूट रही हैं, और इस तरफ बनने का प्रयास भी किया जा रहा है बनाने का। ठीक है, आइए आपको आगे का दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये पुल का नवनिर्माण कार्य हो रहा है,
गोरों की दृश्य को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक खुदाई कार्य यहाँ पर जारी है और इसको लेयरिंग करके बनाएंगे, क्या कैसे बनाएंगे तो देखने का विषय है, बाद में वो आपको दिखाएंगे। बाद में इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि आइए हम आपको ऊपर की तरफ से टूट रहा है, इस चीज़ को देख सकते हैं। और मिट्टी का लेयर अगर नीचे गिरेगा तो ये भी टूट कर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन वैसे चलेगा भी नहीं। और बाकी आगे की चीज़ें जो है पड़ी हुई है इस समय, ये मंदिर का नीचे का जरिए देख सकते हैं, ये विकास की तरफ बढ़ रहा है, बनाया जा रहा है और आप इसी वगैरह चीज़ें डाली जा रही है। और ये फूल का पूरा हुआ है और यहाँ पर सड़कों की हो बहुत दिन से ही खराब थी, जर्जर अवस्था में बहुत आवाज़ उठाने के बाद इस रोड का नवनिर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टूटा पूरा टूटा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस तरह से गुजरेगा काफ़ी मजबूती होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये साइड की जो लेयर देख रहे हैं आप, उसका लेफ्ट और राइट साइड बाएँ और दाएँ तरफ भी जो इनके सहयोग की होती नजर आएगी। और इसी के तरफ से एक रास्ता बनाने का कोशिश किया जा रहा है पूरी तरीके से। आप कहता भी यहाँ पर देख सकते हैं, शायद निर्माण कार्य का जो मशीनें वगैरह लगाई गई हैं, तो यहाँ पर निर्माण कार्य का मशीनें वगैरह जो लगाई गई हैं वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से निर्माण कार्य जारी हो रहा है, उनकी मशीनें कहाँ पर और इन रोडों पर बनाने के लिए कार्य करेंगी, वो चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ इसी के लिए ये है नवनिर्माण कार्य के लिए जो भी मशीनें लाई गई हैं नवनिर्माण कार्य के लिए रोड के लिए, और इसके लिए काफ़ी जंग लड़ी गई थी और फिलहाल जीता भी गया है, और इसीलिए यहाँ पर कार्य भी शुरू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित फूल वगैरह दिखाने का हम प्रयास करेंगे, किस तरीके से सरियों वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर कट देख सकते हैं, कट पॉइंट, यहाँ ज्वाइंट पॉइंट,
पुल के निर्माण कार्य के लिए जो ज्वाइंट है यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाइंट करके किस तरीके से पुल को निर्माणाधीन किया जा रहा है। ये आगे पुल के ज्वाइंट के लिए काम करेगा, ये जो सीमेंट वगैरह के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मिर्जापुर जौनपुर रोड के नाम से स्थित है और पूरा रोड आगे का पूरा आपको बता दें कि करीब भदोही के कर तक ये रोड पूरी तरीके से खराब थी, इसी को बनाने के लिए यहाँ लोग कार्य पर लगे हुए हैं अपने लिए। और ये क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। आप ठेकेदार हैं? कौन ठेकेदार नहीं है, हम अच्छा अच्छा तो ये काम कब तक हो जाएगा लगभग आपको अंदाजा होगा? ये तो कंपनी बताएगी, कंपनी बताएगी, हम वो कैसे बता सकते हैं। अच्छा, और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। चलो क्या हाल चाल? ठीक है, ठीक है। पैसा वैसा मिल रहा है ना? सही से चले, सही मिल रही है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक है, सब ठीक है ना? सब बढ़िया, बढ़िया है ना? अच्छा ठीक है ना? तो काम यहाँ पर काम में ही लगे हैं हम लोग। ये पूरा रोड बन रहा है, इससे तो रोजगार मिल रहा है लोगों को कि नहीं? रोजगार मिल रहा है ना? कई जगह पर पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि पूछे नहीं, इसलिए हम पूछ ले रहे हैं ताकि महसूस हो जाए लोगों को कैसा हो रहा है। ठीक है, और सब ठीक है ना? मिल रहा है ना पैसे से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक अपना काम कर रही है। और क्या हाल चाल है? ठीक है, काम वाम ठीक ठीक है, पैसा वैसा सब मिल रहा है? सब ठीक। चलो बढ़िया है। मिर्जापुर रोड के लिए जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए तैयार हैं सारे वर्कर, अपने बेचारे काम कर रहे हैं अपने काम के लिए। सेफ्टी वगैरह का यूज करते हैं ना? चलो अभी तो ये लोग कान पे नहीं है फिलहाल, अभी तो शायद अस्थाई पड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कई पुलें बनाई गई है, जो आपको बता दें कि रास्ते में आ रहे थे पूरा देख, आप लोग देख सकते हैं तो पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो गया है। और ये पुलें पूरी तरीके से बनाई गई है ज्वाइंट के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये ज्वाइंट करने के लिए लाया गया है इस चीज़ को यहाँ पर। और जितनी भी चीज़ सामने देख सकते हैं ये सही नदी है, इसमें ज्वाइंट किया जाएगा, आगे लगाया जाएगा, जिससे सामने वाला जो पुल है काफ़ी कमज़ोर है और नीचे की स्थिति में काफ़ी भी पहले की स्थिति में जो बना हुआ है मजबूत, ऊपर की स्थिति में जो है कमज़ोर है, इसके चक्कर में ये बनाया जा रहा है। और ये पूरा भदोही तक का जो पॉइंट है वहाँ तक रास्ता ले जाकर जोड़ेगा, जौनपुर मिर्जापुर के नाम से है ये। फिलहाल ये जौनपुर से शुरू हुआ है। आइए हम आपको पूरी तस्वीरें यहाँ की दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में कैसा किस तरीके से कार्य हो रहा है, कहां तक संपन्न हुआ है, वह भी आपको हम जीरो ग्राउंड के साथ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर नव निर्माण किया जा रहा है, किस तरीके से इसको बनाकर उसके बाद इसको बांध कर सेफ किया जा रहा है। इसके बराबर हमारे हिसाब से नीचे देख सकते हैं कि पानी बराबर डाल के इसको पकाने का प्रयास भी किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और पैरामीटर है सामने जो नदी का पैरामीटर होता है वो भी आप देख सकते हैं, नदी का पैरामीटर कितनी ऊंचाई तक पानी का लेवल होता है, लेवल करने के लिए होता है। और बाकी ये सामने देख सकते हैं फिलहाल इनके पुल निर्माण कार्य के लिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग की जा रही है पन्नी वगैरह लगा कर बाकायदे। और इस चीज़ को यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए इसका शायद ये डाई या कुछ भी है। चलिए यहाँ की कुछ हमने आपको तस्वीर दिखाई है, फिलहाल ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको जौनपुर की अपडेट दिखाने के लिए यहाँ पर ग्राउंड जीरो के साथ कवरेज करने का हमने प्रयास किया है। आपके क्षेत्र में कहाँ तक कैसे कार्य हुआ है, हो रहा है या हुआ है, वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह रोड बन रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक रहे हैं। पहले तो गड़बड़ था काफ़ी, अब तो बन रहा है, ठीक हो रहा है ना? टाइम तो लगेगा ही, जब बन रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। चलो ठीक है, फिलहाल अभी तो एक साल करीब टाइम है मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर पच्चीस है, लोग बेचारे कैसे रह रहे हैं, उनका रख रखाव जो करते हैं कैसे रह रहे हैं कर रहे हैं, अपना मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल यह तस्वीरें आपको देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें जौनपुर एक्सप्रेस मनीष कुमार के साथ।